गाजियाबाद की थाना कवि नगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए गैंग के दो महिला समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग फर्जी आईडी पर सिम खरीद कर और उनके बैंक खाता खुलवा कर पुराने पॉलिसी धारकों से पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर फर्जी चेक तैयार कर करोड़ों की ठगी किया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप, चेकबुक और अन्य कागजात भी बरामद किए हैं। देखिए, जनपद गाजियाबाद में ऑपरेशन 420 के अंतर्गत जब हम साइबर क्राइम में आगे तफ्तीश कर रहे थे तो हमको RDC के पास दो संदिग्ध लोग मिले। इनकी निशानदेही पे जब हमने कौशाम्बी में इनको हम लोगों ने रेड डाली तो इनके एक ये कॉल सेंटर चला रहे थे जिसमें ये लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर लोगों से पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर या उनको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देने के नाम पे ये लोग ठगी करते थे। इनमें से जो एक जो कॉल सेंटर पे व्यक्ति अक्षय मिला है, इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ जिसमें कि जो भी पॉलिसी धारक थे उनकी डिटेल्स मिली हैं और ये उन पॉलिसी धारक को फ़ोन करके उनसे ठगी करा करते थे। साथ ही साथ इसमें से जो प्रदीप और सुमित हमको मिले हैं, ये पहले से हैदराबाद में 80 लाख के फ्रॉड में जेल जा चुके हैं 2017 में। इनका बेसिक जो अकाउंट्स खुलवाने का जो मॉडस ऑपरेंडाय रहता है कि ये किसी एक पर्सन को या दूसरे दो पर्सन को आउटसोर्स कर देते हैं, उनको ठेका दे देते हैं कि वो अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा। इस वाले मामले में जीतू साहनी नाम के एक वांछित हैं जो इनको अकाउंट प्रोवाइड कराया करते थे। जीतू साहनी और लोगों से ग्राउंड लेवल पर जाके गरीब लोगों को जो अशिक्षित हैं उनसे जाके बैंक में जाके उनका अकाउंट खुलवाते थे, उनका ATM कार्ड और उनका सिम कार्ड लेके इनको प्रोवाइड करा दिया करते थे। और जैसे ही उस अकाउंट में 2-4-5 लाख रुपए जब आए जाया करते थे, उसके बाद ये उसी ATM कार्ड से जो ये कॉल सेंटर चला रहे थे उसको पैसे को विड्रॉ करके उसको बंद कर दिया करते थे। कितने लोगों को सही ठग चुके होंगे अगर कितने रखा जाए और कितना अमाउंट रहा होगा? लगभग 2015 से ये कृत कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा लोगों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला करा है और जितने भी बैंक अकाउंटों के बारे में हमको पता लगा था हमने उसको फ्रीज करवा दिया है। बाकी डिटेल्स विवेचना के दौरान पता लगेगा। कहां से आइडिया मिला कि इस तरीके का काम करना चाहिए? इस तरह के कॉल सेंटर्स ये पहले से ही 2015 से काम कर रहे हैं और इस तरह का साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और इन लोग का सबका मॉडस ऑपरेंडाय कॉमन ही रहता है कि अकाउंट धारक जो होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके अकाउंट में किसी गलत काम से पैसा आ रहा है। सर, इसमें दो लड़कियां भी पकड़ी गई। आपको बता दें, ये गैंग पिछले काफी समय से दिल्ली NCR में सक्रिय था और हर बार पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता था, लेकिन इस बार इस गैंग का पर्दाफाश थाना कवि नगर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने करते हुए दो महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से प्रदीप और सुमित नाम के युवक 2017 में हैदराबाद पुलिस द्वारा 80 लाख रुपए की ठगी में पहले भी जेल जा चुके हैं। ये लोग 2015 से अब तक लगभग करीब 500 लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। गाजियाबाद से विकास कुमार की रिपोर्ट।